हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर ये रिएक्शन दिया है, इसको कंसीडर करते हुए पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस विल गिव द बेस्ट यील्ड ऑफ द एल्कीन टू एज द मेजर प्रोडक्ट। चार ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है। अब रिएक्शन देखते हैं, आपको एक अल्काइल हैलाइड दिया है और हैलाइड मतलब ब्रोमाइड जो लगा है एक टर्शरी कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है, टर्शरी कार्बन पे लगा है, राइट। बेस से ट्रीट करेंगे तो डिहाइड्रोहैलोजनेशन होगी। तो अगर अगर मैं इसको नंबर कर दूं, मैं एक्चुअली इसको नंबर कर देती हूँ आईवी पैक नंबर, ठीक है, 1, 2, 3, 4। अच्छा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन लगा है और इसके जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड है उस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, ठीक है, तो इसके सॉरी बीटा कार्बन कहेंगे। जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा है दैट इज अल्फा, तो एक तो बीटा कार्बन ये हो गया और बीटा कार्बन ये भी हो गया, ठीक है। सो अगर ये बेस आके कार्बन नंबर 3 वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालता है तो आपकी ये वाली एल्कीन बनेगी, ठीक है। बट अगर बेस आकर बीटा नंबर 1 कार्बन से, कार्बन नंबर 1 जो बीटा की तरह रोल प्ले कर रहा है उससे निकालता है एक हाइड्रोजन बेस आके, तो आपका सेकेंड एल्कीन बनेगी, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट एल्कीन है ये कैसी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड 3 अल्काइल ग्रुप देख सकते हो आप जो एडजेसेंट पोजीशंस पे लगी हैं, ठीक है। मोर सब्स्टिट्यूटेड, या कहें कि अब मोर सब्स्टिट्यूटेड ही लिख लीजिए, सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। और एल्कीन नंबर 2 में ये सिर्फ 2 ही अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं तो इसे कहेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइप की एल्कीन बन रही है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कहलाती है सेट्स एल्कीन, ठीक है, एंड लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन कहलाती है हॉफमैन्स एल्कीन। आई होप मैंने हॉफमैन्स की स्पेलिंग सही लिखी है, कई जगह HOF होता है, कई जगह HOFF होता है, ठीक है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एल्कीन नंबर 2 बनेगी ऐसा मेजर प्रोडक्ट कब, अगर हम कौन सा बेस इस्तेमाल करें। सो हॉफमैन एल्कीन या फिर लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन बन रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन कहां से जा रहा है, बेस हाइड्रोजन को कहां से ले रहा है, एक लेस हिंडर्ड कार्बन से ले रहा है। C1 कैसा है, लेस हिंडर्ड कार्बन है, लेकिन अगर आप C3 को देखोगे तो ये हिंडर्ड है, ठीक है, इसके तरफ ग्रुप्स लगे हुए हैं, हिंडर्ड है, ठीक है। तो हिंडर्ड होने की वजह से अच्छा, हमें लेस हिंडर्ड कार्बन से बेस निकालना है जिससे कि हमारी लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन बन जाए। तो ये बेस खुद कैसा होना चाहिए, बल्कि बेस होना चाहिए। तो अब इसमें देखो, ये मिथॉक्साइड है, ये इथॉक्साइड है, ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटॉक्साइड है, और ये टर्शरी ये आपका कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये आपका इथाइल लगे हुए हैं, ईटी मतलब इथाइल, ठीक है, C2H5, और ये आपका ओ माइनस हो गया। सो मैं इसको अगर सिंपल वे में बोलूं तो ये क्या है, इथाइल ये कैसा है आपका, ट्राई इथाइल कार्बोक्साइड, ऐसे बोल देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से बोल देती हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट इसका नाम नहीं करते हैं, सिंपल बोल देते हैं कि जिस कार्बन से ऑक्सीजन लगा है उस कार्बन से 3 बल्कि इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये अपने आप में काफी बल्कि बेस बन जाएगा, स्टेरिकली हिंडर्ड होगा। तो ये बेस सिर्फ लेस हिंडर्ड कार्बन से ही प्रोटॉन निकाल सकता है। तो जब ये ऐसा बेस इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, एल्कीन नंबर 2 बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाएंगे और मेजर प्रोडक्ट देगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।